past few years, Indian athletes have proved their strength at an international level. A few of them belong to Uttar Pradesh. One of the greatest players of hockey, Major Dhyan Chand, cricketers like Mohammad Kaif and Suresh Raina. The list of players doesn't end soon. Chief Minister Akhilesh Yadav has taken the responsibility of advancing the legacy of sports in Uttar Pradesh. में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही श्री अखिलेश यादव ने यूपी में खेल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की जिम्मेदारी उठाई। यूपी में मौजूद कई खेल अकादमी से हर साल कई प्रतिभाएं निकलती हैं। अब इन प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। द गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज इन लखनऊ इज ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स टू प्ले कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। Here, youngsters from the age of 9 to 12 years are trained. मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। दूसरा साल है मेरा सेकेंड ईयर और मैं बैडमिंटन खेलता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने बैडमिंटन में नेशनल खेला है और यहाँ पे गवर्नमेंट हमें काफ़ी हेल्प कर रही है, अच्छी डाइट दे रही है, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन में काफ़ी हेल्प दे रही है, ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं, ज़्यादातर ट्रेनिंग करते हैं, 3 सेशन करते हैं, सुबह दोपहर शाम, तीनों सेशन में अच्छे अच्छा टाइम दे रहे हैं, 2-2 घंटे 3 घंटे हर सेशन में, और कोचेस हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें। मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ ओलंपिक्स में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, यहाँ पे हम टैलेंटेड खिलाड़ियों को पूरे प्रदेश से सेलेक्ट करके लेके आते हैं और यहाँ पे हमको कोचिंग देते हैं और कोचिंग के माध्यम से हम उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। Women players are encouraged to be a part of the college. They are not considered less talented than the boys in any way. In addition to the basic amenities, the players are trained at an international level. सबसे बड़ी बात है कि जी हम लोग को यहाँ पे 4-5 घंटा ट्रेनिंग मिल रहा है। 4-5 लड़की को गेम्स के लिए 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी के लिए हम लोग को तैयारी करवा रहे हैं हम लोग के सर जी, और हम लोग काफ़ी मेहनत सब लड़कियाँ कर रहे हैं, अभी 4-5 लड़कियाँ। मैं अभी काफ़ी मेडल दे चुकी हूँ इंटरनेशनल में, 2 इंटरनेशनल पार्टिसिपेट की हूँ और अभी सेफ गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स के सेफ गेम्स में मेरा गोल्ड मेडल है। यहीं पे लखनऊ में जब से मैं आई हूँ तब से मेरा बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। अभी की सरकार ने तो सबसे बड़ा काम ये किया है कि हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग करा के मेडल विनर तो बना देते हैं, लेकिन मेडल जीतने के बाद उनको कोई इंसेंटिव उतना अच्छा नहीं मिलता था पहले। अब राज्य सरकार ने पदक विजेताओं को बहुत अच्छी एक नगद धनराशि घोषित की है, प्लस गेम्स में जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में जो पदक विजेता हैं उनको राजपत्रित पदों पे भर्ती का घोषणा किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे जो है काफ़ी खिलाड़ी उत्साहित होंगे और ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे, और जो प्रतिभाएँ यहाँ से पलायन कर जाती थी उनका कोई बेनिफिट उत्तर प्रदेश को नहीं मिल पाता था। माननीय अखिलेश जी की मदद से हमको ये सुविधाएं हैं कि बच्चे हमारे यहाँ से मेहनत करके पदक लाते हैं तो उनको एक फ्यूचर उनका सेफ है। Women athletes from far away places train in this college. They practice hard with an exhausting schedule to achieve their dream of being an international player. हम इलाहाबाद से हैं और यहाँ पे एक साल पहले ज्वाइन किया था। यहाँ पे मतलब सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी है, हॉस्टल की, खाने की, इक्विपमेंट्स भी सब देते हैं। पिछले साल मेरा नेशनल में 4th पोजीशन था और इस बार पूरा मतलब प्रैक्टिस है कि फर्स्ट आए, इसके लिए जो है सुबह 3 घंटे शाम 3 घंटे प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे कोच भी पूरा ध्यान दे रहे हैं हमारे लिए। इस
स्टार्टिंग में जैसे ट्रैक नहीं था हमारे पास तो ग्रास में करते थे, और नेशनल्स में जाओ तो वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक मिलते थे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ये ट्रैक दिया है तो इस ट्रैक पे प्रैक्टिस करके फिर हम वहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं अलग एथलीट्स से। देश के लिए जो है मेडल लाना चाहते हैं और इंडिया के मतलब बेस्ट हर्डलर में ऐड होना चाहते हैं और यूपी का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे 8 खेल हैं यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में। बड़ी अच्छी बात यह है कि पूरे इंडिया भर में 2 या 3 जगह केवल है जो हमारे यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है और ग्रासी ट्रैक, 2 एक ही ग्राउंड में अवेलेबल हैं। हमारा जो यहाँ का स्पोर्ट्स कॉलेज का जो शेड्यूल हमारा है, हमारी सुबह की असेंबली ठीक 5:25 से स्टार्ट होकर ठीक 8 बजे तक चलती है, 8 से 8:15 तक लगभग 3 घंटा ट्रेनिंग सुबह होती है और 3 घंटा ट्रेनिंग शाम को होती है। उनकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है, हमारा टीचिंग स्टाफ और कोचिंग स्टाफ दोनों यहाँ पे है। Now we're in the major Dhyan Chand Stadium of Lucknow to provide world-class facilities to the players of our national game hockey. Akhilesh Yadav has organized floodlights in the AstroTurf Stadium. ये हम यहाँ पे खड़े हैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में। इन्हीं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पहला हॉकी का फ्लडलाइट स्टेडियम ये बना है, जो कि इसमें अभी पिछले महीने HIL के मैचेज हुए हैं नाइट में, जो पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में। इन्हीं के माध्यम से बेलोड्रम का कार्य चल रहा है, जो कि प्रदेश में तो पहला है ही, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये हिंदुस्तान में पहला और एशिया में भी इसका नाम बहुत ज़ोरों शोर से लिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी सोच है कि प्रदेश में एक और अचीवमेंट बढ़ेगा, एक और एक्टिविटी बढ़ेगी जिससे कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। हम अभी लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पर है जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्टेडियम काफी हद तक बनकर तैयार भी हो चुका है। दिस स्टेडियम ऑन द सुल्तानपुर रोड इन लखनऊ इज बीइंग बिल्ट ऑन द लाइंस ऑफ द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। दिस स्टेडियम इज अ गिफ्ट टू द क्रिकेट फैंस ऑफ द स्टेट। About 50,000 people can be seated in this stadium, which is more than the capacity of the Lord's cricket ground. In addition to this, a multi-sports outdoor stadium to enjoy outdoor sports is also being constructed. Along with this, an indoor stadium is being developed for sports like badminton, table tennis, volleyball and lawn tennis. The youngsters of this state have high hopes from this stadium. Several talented athletes of India have emerged from Uttar Pradesh. हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के मशहूर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, जहां से सुरेश रैना और आरपी सिंह जैसे कई मशहूर खिलाड़ी निकले। आइए बात करते हैं यहां के कुछ खिलाड़ियों से और जानते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे इस बदलाव को वो कैसे देखते हैं। मैं इस वक्त लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ के कोच है और रणजी ट्रॉफी के एक प्लेयर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और स्टेडियम के बारे में जानते हैं। ये बताइए कि आपके स्टेडियम में कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं वो खिलाए जाते हैं? सारे गेम चल रहे हैं, टेनिस चल रहा है, बैडमिंटन चल रहा है, स्विमिंग चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो चल रहा है, जिमनास्टिक चल रहा है, सारे गेम की फैसिलिटीज है। सरकार एक नया स्टेडियम बनवा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उससे? ये बहुत बड़ा स्टेप है लखनऊ क्रिकेट का, बल्कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट को बहुत अच्छा सेंटर मिल गया। यहाँ पे आने वाले समय में IPL के मैचेस और वनडे और टेस्ट मैच भी होंगे, तो उससे जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक सेंटर दे दिया है लखनऊ जैसे शहर को। अगर हम नए स्टेडियम की बात करते हैं तो खिलाड़ी उसे लेकर कितना उत्साहित है?
बहुत उत्साहित है, वहाँ पे मैचेस होंगे, वहाँ पे सेंटर पूरा, बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। देखिए, जब तक कि घर परिवार का आदमी कुछ नहीं करेगा बच्चों के लिए, तो बच्चों क्या करेंगे। जैसे अब सरकार इस टाइम स्पोर्ट्स में बड़ा कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपको इसका रिजल्ट, अगर कोई चाहे कि फौरन रिजल्ट मिल जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन 2-4 साल में इसका बहुत अच्छे रिजल्ट निकल जाएंगे, जब लोग कहेंगे कि ये एस्ट्रो टर्फ, ये स्विमिंग पूल और ये इंटरनेशनल स्टेडियम से बच्चों को ये बेनिफिट हुआ। अच्छा, आपके शहर में लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है, तो कितने एक्साइटेड हैं उसे लेके? हम लोग को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, अगर कोई बड़ा मैच पड़ता है तो हम लोग को प्रैक्टिस उन लोग की देख सकते हैं जाके, और ज़्यादा एग्रेसिव होने के लिए खेलने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेस को लेकर काफ़ी उत्साहित है युवा। एक और हमारे साथ है खिलाड़ी, ये बताइए कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? आप खूब स्वेट कर रहे हैं। 4 आवर्स। अपनी उपलब्धि के बारे में कुछ बताइए। अब ये हम मतलब स्टेट के लिए खेल चुका हूँ, अब तैयारी इंडिया के लिए, अब खेलना है, मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। और आपके शहर में जो नया क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या उम्मीदें हैं? अगर हम लोग उस वाले स्टेडियम में अगर अच्छा मैच मिलता है तो हम लोग खेलेंगे, और वहाँ जाके जो बड़े बड़े प्लेयर आएंगे उनको देखेंगे कि कैसे खेलते हैं, क्या है, फिटनेस कैसी है, बैट कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, कितनी देर बैटिंग करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। हम लोग को सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। In addition to this, Akhilesh Yadav has taken several steps in the sports sector. The government of Uttar Pradesh has initiated Lakshman Awards and Rani Lakshmibai Awards. The awardees will receive 3,11,000 rupees each. The recipients of Dronacharya Puraskar, Rajiv Gandhi Khel Ratna, Arjun Paraskar and Padam Shri will receive a pension of 20,000 rupees. The prize money of winners in Olympics has been elevated. A gold medal winner will now receive 6 crore rupees. A silver medal winner will receive 4 crores and 2 crores to a bronze medal winner. प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगहों पर स्टेडियम बनवा रही है। खास तौर से ग्रामीण इलाकों के युवाओं में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सैफई में स्पोर्ट्स अकादमी की शुरुआत की है। इसके साथ ही साथ वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम भी बनवाया जा रहा है, जिसकी लागत 260 करोड़ है, जबकि इसमें बैठने वाले लोगों की क्षमता 40,000। ये 2017 तक बनकर तैयार हो जाएगा। Our future will be the present of the next generation, and we should be prepared for the demands of tomorrow. Chief Minister Akhilesh Yadav is also preparing for the future, benefits of which will be seen in years to come. The upcoming cricket stadium in Safai is the proof of this thinking. With every new development, the fate of the future generation is changing. यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसके अनुमानित लागत जो है 350 करोड़ रुपए के पास है। सैफई में सिंथेटिक ट्रैक और ऑडियंस गैलरी के साथ एक इंडोर स्टेडियम तैयार किया जा चुका है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कुश्ती जैसे खेलों के लिए भी एक इंडोर स्टेडियम बनाया जा चुका है। इसके साथ ही साथ तैराकी को बढ़ावा देने के लिए हर मौसम में इस्तेमाल किया जाने वाला स्विमिंग पूल भी बन रहा है, जिसकी लागत 207 करोड़ है। सुबह ग्राउंड में आते हैं, वर्कआउट करते हैं, जो सर बताए। गांव में मैं ऐसे ही दौड़ता था, ऐसे ही यहाँ पर आया, सर ने टेक्निक बताई, धीरे धीरे अब नेशनल लेवल के कंपटीशन, स्टेट लेवल के कंपटीशन में जाना शुरू हो गया। जब मैं जर्मनी में था, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखते हुए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि
छोटे से गांव में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, और यहाँ आने के बाद वो टोटली चेंज था। यहाँ पे हर लेटेस्ट इक्विपमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है जो उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें चाहिए। हमारे 3 बच्चे स्टेट मेडलिस्ट हैं। Students of this college are trained under a close watch of experienced coaches. Youngsters between the age of 11 and 18 years are trained in different sports using latest equipment and techniques. Currently, the college can support the training of 560 students. जो मेरे कोच है सिद्धार्थ कृष्ण सर, वो मेरे बहुत अच्छे कोच है, मुझे ट्रेन कराते हैं और मैं ट्रेनिंग करता हूँ उनके अंडर में, और उनकी वजह से ही मैं स्टेट खेल पाया हूँ और नेशनल खेल पाया हूँ। With all the facilities at their disposal, the athletes are getting better at their game. They're able to improve their skill with practice and right techniques. यहाँ पे हमें अच्छी प्रैक्टिस मिलती है, अच्छे कोचेज मिलते हैं, प्रिंसिपल मिला, प्रैक्टिस ग्राउंड सब अच्छा मिलता है। हमने अच्छा पासिस करना सीखा है, स्कूप करना और जगह बनाना सीखा है, स्टॉपिंग हिटिंग सब कोचेज से सीखा अपने। अच्छी इक्विपमेंट होने चाहिए, हॉकी अच्छी होनी चाहिए, बॉल अच्छे होने चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ग्रास लेवल भी है और हमारे पास एक्स्ट्रा टर्फ भी है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं हमारे पास ग्रास से सेफ्टी होते हैं, ग्रास के लिए भी हमें प्रैक्टिस जरूरी है, और जो नेशनल से अच्छे कंपटीशन होते हैं टर्फ पे, तो टर्फ भी अवेलेबल है। द हॉकी प्लेयर्स गेटिंग ट्रेन्ड इन सफाई होप टू विन लॉरल्स फॉर द स्टेट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। जो सफाई में फैसिलिटीज है, हम आशा करते हैं कि आने वाले 2-4 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल प्लेयर जरूर पैदा होगा। Coaching for football is also provided in this sports college. Construction of a new football field is underway. हमारे गेमों में जो 8 गेम यहाँ पर निर्धारित हुए हैं, उन हर गेमों में वर्तमान में हर 4 या 5 बच्चे लगातार जो है नेशनल खेल रहे हैं। इससे आगे आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश का जो स्पोर्ट है वो बहुत आगे बढ़ेगा, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ फिर हमारे जो है देश का भी स्पोर्ट आगे बढ़ेगा। An indoor stadium for sports like wrestling has also been set up. 8 मेरे यहाँ गेम हैं, 8 गेमों पे एक-एक कोच जो है निर्धारित हैं। Here, every style, technique, and mannerisms of wrestling are taught to players. They play competitively while special attention is paid to their safety. Swimmers are able to receive world-class training and facility. The swimming pool has been designed keeping in mind the international standards. Additionally, an all-weather swimming pool is being constructed at an increased budget of 207 crores from the initial costing of 103 crores. This international swimming pool will provide world-class training. Furthermore, special seats is a large area that have been installed for the spectators. वर्तमान में यहाँ एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल बन रहा है जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा स्विमिंग पूल है। No doubt, this swimming pool will motivate the youngsters to take up swimming. यहाँ पे डाइट अच्छी मिलती है, सुबह अच्छी डाइट है, केला दलिया अंडा ब्रेड मक्खन, दोपहर में खाना, शाम को पनीर भी है, चिकन भी है। न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से डाइट दी जाती है,
उसके बाद ये स्कूल जाते हैं, स्कूल में इनको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है, न्यू क्लासरूम्स। Akhilesh Yadav is well aware that academics is important along with sports. Like all other sports colleges in the state, this residential college in Safai has academic classes also. पहले क्या होता था कि सुविधाएं कम थीं, अब बच्चे एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर केवल एक अपने निजी कपड़ों में आ जाए, उसके बाद कुछ भी नहीं उसे अपनी तरफ से ख़रीदना है, सारा सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड किया जाना है, वो इस सरकार की ही देन है। माननीय अखिलेश जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनका बेहद ध्यान है इस सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज पे, उसका लाभ सारे प्रदेश के बच्चे उठाएंगे। Sports instills competition as well as disciplines the youngsters. Living in hostels disciplines the students and teaches them a way of life where regulation and time management is important. जब से यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई बना है, तब से जो है बच्चों में अत्यधिक बढ़ावा यहाँ मिला है, और उससे जो हमारी बिल्डिंगें बनी हुई थी खेलों की, उसमें उसका बच्चों को लाभ मिल रहा है, और यह माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है जिन्होंने सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई को बनाया है, और यहाँ से बच्चे अब जो नेशनल स्तर पर हर गेमों में प्रतिभाग कर रहे हैं। To encourage the athletes, the Chief Minister has proposed appointing the winners of Commonwealth Games, Asian Games and Olympic Games to a gazetted officer's rank. Uttar Pradesh Cricket Sangh has been allotted the Kanpur Green Park Stadium. An international grade cricket stadium is being constructed in Uttar Pradesh. Indian Grameen League has been initiated to encourage talented cricketers from rural areas. Chief Minister Akhilesh Yadav is striving to provide an international identity to the sports and athletes of Uttar Pradesh. The several international stadiums are a result of this effort. Definitely, the world of international sports will notice the athletes that emerge from Uttar Pradesh.